हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जब दांत आते हैं तब तो उस दौरान उनको डायरिया या लूज मोशन क्यों हो जाता है। तो यूजुअली 4 से लेकर 7 महीने के बीच में बच्चों को दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा लेट होता है, 12 महीने से 14 महीने तक भी हो सकता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब टीथिंग होता है, बच्चे को नए दांत आते हैं, तो उस दौरान उसके मुंह में डोलिंग होता है, यानी कि सलाइवेशन ज्यादा हो जाता है। अंदर जो मुंह में सलाइवा ज्यादा होने लगता है, बच्चे के मुंह से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में सलाइवा बहुत ज्यादा टपक रही है। तो ज्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन की वजह से जो वो सलाइवा होता है वो अंदर आंतों में पेट में चला जाता है, तो उस वजह से जो पेट में स्टूल है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, वो म्यूकस या सलाइवा जाने की वजह से। तो उस वजह से जो उसका स्टूल है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और उसको लूज मोशन हो जाएंगे। के बाद एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसमें आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा है, इसका रीजन ये है कि जब बच्चे को दांत आते हैं तो उस दौरान बच्चे के मुंह में थोड़ा जो उसके मसूड़े होते हैं उसमें खुजली ही चलती है, तो उसकी वजह से वहां पर इरिटेशन होता है। तो उसकी वजह से बच्चा कोई भी चीज है वो मुंह में डालने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जो उसको दांत आ रहे होते हैं तो उस दौरान वो कोई भी चीज उठाकर तुरंत मुंह में डाल देता है और वहां पर वो उसको चबाने लगता है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो कोई भी चीजें उठाएगा, कहीं पर भी अपना मुंह लगाएगा, तो उस वजह से वहां पर जर्म्स उसके अंदर पेट में जा सकते हैं या तो फिर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जा सकते हैं। तो उस वजह से उसमें क्या होता है कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन लगा है, तो जो से उस वजह से उसको डायरिया या तो फिर लूज मोशन हो सकता है।